हेलो एवरीवन, मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट मैं पिछली वीडियो के अंदर करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके पहले वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड और भी नई नई वीडियोज चाहिए तो जाके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं नई नई अपडेट्स के लिए। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सेकंड करेंगे आज, ये हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स चैप्टर 5 के। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाट आर द प्रीमिसेबल डिडक्शन विल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड सैलरी। कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं इनकम टैक्स के अंदर और प्रॉफिट लियू इन सैलरी क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी क्या होता है। प्रॉफिट मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, सैलरी से अलग जो मिलता है वो क्या होता है वो बताना है इसके अंदर, और जो भी प्रीमिसिबल डिडक्शंस होती हैं वो बताएंगे हम इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सम रिसिप्ट ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर द एम्प्लॉई कैन बी डन टर्म्ड एज सैलरी। जो एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज को देते हैं वो बोल उनको बोलते हैं टर्म एज सैलरी, सिंस दे आर नॉट रिसीव्ड रेगुलरली लाइक सैलरी। वो जो रेगुलर बेसिस पे रिसीव नहीं होती जो चीज़ें उसको बोलते हैं प्रॉफिट लिव इन सैलरी फ्रॉम द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ये पार्ट होता है इनकम फ्रॉम सैलरी का, एक्सटेंट दोज आर टैक्सेबल, द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन प्रॉफिट लिव इन सैलरी। ये चीज़ें जो होती है वो इंक्लूड होती है प्रॉफिट लिव इन सैलरी के अंदर। सबसे पहले कि जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है SSC के थ्रू, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दी है कोई भी कनेक्शन के थ्रू, उसको एम्प्लॉयमेंट के अंदर टर्मिनेशंस दिए हैं, कोई भी छूट दी है, तो वो जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को अमाउंट दी है तो वो जो अमाउंट होती है वो होती है प्रॉफिट लिव इन सैलरी के अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ एन कनेक्शन ड्यू टू रिसीव्ड बाय SSC फॉर एम्प्लॉयर फॉर अ फॉर्मर एम्प्लॉयर एट अ कनेक्शन विद द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयर। मॉडिफाइड करने के लिए टर्म और कंडीशन जो है एम्प्लॉयर की, उसके अंदर जो अमाउंट पे की है उसने वो आएगी इंक्लूड होगी प्रॉफिट लिव इन सैलरी के अंदर। उसके बाद एनी पेमेंट एन अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड है, कोई भी अनरिकोगनाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वो SSC ने कंट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट दिया है उसके ऊपर, तो वो भी प्रॉफिट लिव इन सैलरी के अंदर आएगा। और कोई भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी हमें रिसीव हुई है वो भी प्रॉफिट लिव इन सैलरी के अंदर इंक्लूड होगी। इसके बाद है एनी पेमेंट ड्यू टू रिसीव्ड बाय एन SSC फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट फॉर इन्फॉर्मर। कोई भी पेमेंट रिसीव हुई है SSC को एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कोई भी पेमेंट रिसीव हुई है जैसे कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, पेमेंट ऑफ पेंशन, कम्युनिटी पेंशन, पेमेंट ऑफ अनरिचमेंट कनेक्शंस, पेमेंट ऑफ स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड जैसे पेमेंट हुई है, पेमेंट ऑफ रेंटल अलाउंस एस्टिमेटेड है, हाउस रेंटल अलाउंस एस्टिमेटेड है, जो भी पेमेंट्स है वो रिसीव हुई हैं वो सब चीज़ें प्रॉफिट लिव इन सैलरी के अंदर इंक्लूड होंगी। उसके बाद है एनी रिसीव्ड अंडर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी रिसिप्ट हमें मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या लोकल अथॉरिटीज के थ्रू या कॉपरेट सोसाइटी के थ्रू, कॉपरेट यूनिवर्सिटीज के थ्रू, वो सब भी प्रॉफिट लिव इन सैलरी के अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रायर एम्प्लॉय फॉर द फर्स्ट सेक्शन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। कोई भी प्रायर सेक्शंस हैं उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी अमाउंट मिली है वो अमाउंट जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब प्रीमिसेबल डिडक्शन, कौन कौन सी डिडक्शंस होंगी जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगी, कौन कौन सी डिडक्शन होंगी जो प्रॉफिट लिव इन सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगी। सबसे पहले तीन डिडक्शंस दे रखे हैं इसके अंदर, इंटरटेनमेंट अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन, तीन तरह के डिडक्शंस दे रखे हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो प्रॉफिट लिव इन सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब दे रखा है इसके अंदर इंटरटेनमेंट अलाउंस इज फर्स्टली इंक्लूड इन सैलरी, सैलरी के अंदर तो इंक्लूड होता है अंडर द हेड ऑफ सैलरी एंड देयर फॉर द डिडक्शन इज, इसकी डिडक्शन हम कर सकते हैं प्रोविजन विच आर हेयर एज प्रोविजन्स दे रखे हैं इसके, हम डिडक्ट कब करेंगे इसके। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर कोई तो उसकी 5,000 सैलरी होनी चाहिए, 20% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर जो बेसिक सैलरी उसका 20% पे करना पड़ेगा उसको। अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस गारंटीड फॉर प्रीमियर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जो अमाउंट है इंटरटेनमेंट अलाउंस की वो गारंटीड दी गई हो प्रीवियस ईयर के अंदर, या इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंटरटेनमेंट अलाउंस इज नॉन डिडक्टेबल। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्टेबल नहीं होंगे। उसके बाद है सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस नॉट इंक्लूड इन बेसिक सैलरी, जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है वो बेसिक सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज स्टेट लिव्ड अंडर द आर्टिकल ऑफ 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अलाउड एज अ डिडक्शन। द फॉलोइंग पॉइंट्स ड्यू
फॉलोइंग पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन आर्टिकल ऑफ 276 के अंदर, इसके अंदर क्या है, डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इन द ईयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज पेड। डिडक्शन तभी अलाउड होगी जब जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स जिस अंदर पे किया गया है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स जिस साल के अंदर हमने पे किया है उसी टाइम पे हमारी डिडक्शन अलाउ होगी, उसके बाद नहीं होगी। या फिर इफ द एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज पेड बाई एम्प्लॉय ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, अगर या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर ने पे किया है एम्प्लॉय के बिहाफ के ऊपर, तो भी उसके ऊपर डिडक्शन अलाउ होगी। इसके अंदर दे रखा परक्यूसिट्स सैलरी ऑफ एम्प्लॉयर और परक्यूसिट्स एंड देन द अमाउंट अलाउड इन डिडक्शन। परक्यूसिट्स का मतलब क्या होता है, पर एनी कैजुअल रिसिप्ट और गेन अवेलेबल टू सैलरीड एम्प्लॉयड फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन एडिशन इन रेगुलर सैलरी और वेजेस, जो रेगुलर सैलरी और वेजेस होती है उसके एडिशन में जो मिलता है उसको बोलते हैं परक्यूसिट्स, परक्यूसिट। इसके बाद है देर इज नो मॉनेटरी साइकिलिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, बट अंडर 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी इम्पोज अंडर द, लेकिन जो 276 कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है उसके अंदर क्या है कि 2500 पर एनम एज एम्प्लॉयमेंट टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एज वट एवर इम्प्लॉय टैक्स पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज डिडक्टेबल, जो भी अमाउंट पे की गई है वो डिडक्टेबल होगी अगर उसकी 2500 पर एनम एम्प्लॉयमेंट टैक्स है। तो अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, नोट दे रखा है इसके अंदर इससे पहले, इफ द एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज ड्यू टू ड्यू बट नॉट पेड, अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स ड्यू है बट पे नहीं की गई तो डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल, तो डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 शैल बी अलाउड फ्रॉम द ग्रोस सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो 50,000 का अलाउ होता है ग्रोस सैलरी के अंदर से। इसके बाद अब परक्यूसिट्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय परक्यूसिट्स, व्हाट आर द टैक्स फ्री परक्यूसिट्स, कौन कौन से परक्यूसिट्स टैक्स फ्री हैं। उसके बाद एक्सप्लेन परक्यूसिट्स टैक्सेबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, जो टैक्सेबल है एम्प्लॉय टैक्सेबल हैं और टैक्स फ्री कौन कौन से हैं वो हमें बताना है इसके अंदर, और व्हाट इज परक्यूसिट वही है। ये जो क्वेश्चन है ये एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे गए हैं और डी यूनिवर्सिटी के अंदर भी पूछा गया है व्हाट इज परक्यूसिट्स, ये है एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये। तब कर रहे हैं हम थर्ड क्वेश्चन, एनी कैजुअल रिसिप्ट ऑफ अ गेन अवेलेबल बाय सैलरीड एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉय, कोई भी कैजुअल गेन मिला है, कोई कैजुअल रिसिप्ट या गेन मिला है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के थ्रू, तो वो जो एडिशनल रेगुलर सैलरी, जो एडिशन टू रेगुलर सैलरी, सैलरी को हटा के जो रेगुलर सैलरी के अंदर जो भी हमें मिला है उसको बोलते हैं परक्यूसिट। यूजली द टर्म परक्यूसिट मीन कैजुअल एनम एमोलमेंट फ्री फॉर प्रॉफिट अटैच, प्रॉफिट के अंदर से जो फ्री हमें मिलता है टू ऑफिस पोजिशन इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी के अलावा इट मे बी गिवन इन कैश और काइंड, जो परक्यूसिट्स होते हैं वो कैश और काइंड दोनों के अंदर हो सकते हैं। उसके बाद देर इज अ नो क्लियर डेफिनेशन टू परक्यूसिट्स, परक्यूसिट्स की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दे रखी इनकम टैक्स अंडर एक्ट के अंदर 1961 के अंदर। रेंट फ्री जो इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, वाटर है, गैस है, सर्वेंट है, एजुकेशन है, प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एंड पेमेंट द एम्प्लॉयर मेड बाय द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई एंड परक्यूसिट्स, परक्यूसिट्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी इफ दे आर, परक्यूसिट्स कब कब सैलरी के हेड के अंदर इंक्लूड होंगे, टैक्सेबल होंगे, अलाउड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, जब अलाउ किया गया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, अलाउड ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंटिन्यू चल रहा है एम्प्लॉयमेंट तब अलाउ किया गया है, और डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सर्विसेज, जब जो एम्प्लॉयर है जो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सर्विस के अंदर, रिजल्टिंग इन नेचर ऑफ पर्सनल एडवांटेज टू एम्प्लॉयर एंड ड्राइव्ड बाय द एंड ड्राइव्ड बाय द वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयर्स अथॉरिटीज, ड्राइव की जाए बहुत सी वेराइटीज ऑफ अथॉरिटीज के अंदर। उसके बाद है टैक्स फ्री परक्यूसिट्स कौन कौन से होंगे, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं सब्जेक्ट टू लिमिट्स के अंदर, या फिर वर्किंग हावर्स के अंदर ऑफिस रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवाई गई है, जैसे कि चाय दे दी है, कॉफ़ी दे दी है, जो एम्प्लॉयज को दी जाती है वो परक्यूसिट्स इसके अंदर टैक्स फ्री होंगे। लंच दिया गया है, डिनर दिया गया है एम्प्लॉयर्स को वर्किंग हावर्स के अंदर, मतलब जो जैसे हर एक कंपनी प्रोवाइड करवाती है रिफ्रेशमेंट, प्रोवाइड करवाती है टाइम टू टाइम, जो लंच टाइम होता है चाय हो गई पानी हो गया, तो वो सब जो चीज़ें होती हैं वो टैक्स फ्री परक्यूसिट्स
होती हैं। इसके बाद है नोट दे रखा है, इफ एन एसएससी ऑप्टेड सेक्शन 115 ABC ना BAC द अजम्पशन ऑफ अ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर दैट दे पेड वाउचर शैल बी नॉट अवेलेबल। अगर वो नॉन अल्कोहलिक हैं, वो नहीं पीते, उन्होंने खाना नहीं खाया, तो उनकी जो वाउचर हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। इसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन फैसिलिटी, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन फैसिलिटीज जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाई जाती है, वो जो फैसिलिटीज़ होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। नॉन अल्कोहलिक नोट दे रखा है एनएसएससी ऑप्शन सेक्शन 115 BAC नॉट अल्कोहलिक बीवरेज प्रोवाइडेड बाय एग्जेम्पशन ऑफ फ्री फूड एंड एम्प्लॉय। मतलब एक तो अल्कोहलिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवाते, वो वाउचर शैल बी नॉट अवेलेबल, उनके लिए वाउचर अवेलेबल नहीं होते हैं। फैमिली प्लानिंग फैसिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया उसने 25,000 का, स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन, एम्प्लॉय की जो चिल्ड्रंस हैं उनको स्कॉलरशिप दे दी है, फ्री राशन टू आर्म्ड पर्सनल, जैसे कि जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर होते हैं, जो आर्मी के अंदर है या और भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, एयरफोर्स नेवी के अंदर है, उनको जो फ्री राशन मिलता है अपने फैमिली के लिए, वो जब वो टैक्स के अंदर नहीं आती हैं। अकोमोडेशन टू जजेस, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन ऑफ ड्राइव्ड एन्युटी स्कीम्स, यूज़ ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ जो हम करते हैं वो वहाँ पे काम करने के लिए, वो परक्विजिट्स गिव्स आउटसाइड इंडिया इन गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय द रेमरेस्ट रिफ्रेश कोर्स ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करवाते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद परक्विजिट टैक्सेबल इन द, ये जो चीज़ें हैं ये टैक्सेबल नहीं होती हैं। अब जो टैक्सेबल होती हैं ये तो टैक्स फ्री होती हैं, फैमिली प्लानिंग फैसिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट पे किया गया है, ये सब चीज़ें टैक्स फ्री होती हैं। अब परक्विजिट कौन से टैक्स फ्री हो टैक्सेबल होते हैं इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस के अंदर कौन कौन से परक्विजिट टैक्स फ्री होते हैं, नहीं टैक्सेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 2-3 द एम्प्लॉय हु फुल्ली फिल्स एनी अदर 3 कंडीशन विल बी नोन एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर इनमें से कोई भी 3 कंडीशन वो फुलफिल करता है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। दी थर्स कंडीशंस आर फॉलोज, ये 3 कंडीशन दे रखे हैं, इनमें से अगर वो तीनों को फुलफिल कर रहा है, तीनों कंडीशंस को, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहले डायरेक्टर एम्प्लॉय, डायरेक्टर एम्प्लॉय के अंदर क्या आएगा, एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन डायरेक्टर इन द कंपनी वेदर दे आर फुल टाइम और पार्ट टाइम वट एवर दे वर्क फॉर होल और पार्ट फॉर द ईयर कंडीशन इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कोई भी डायरेक्टर है वो चाहे फुल टाइम हो चाहे ये हो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है वो डायरेक्टर, जैसे कि शेयर होल्डर हो गया, वो उसमें वो एक तरह से मालिक ही होते हैं कंपनी के, तो जो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्टर चाहे तो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है वहाँ पे और कोई मतलब पार्ट टाइम आ रहा है, पार्ट टाइम कंपनी को संभाल रहा है और कोई भी, उसने और भी कई तरह के बिजनेस स्टार्ट कर रखे हैं, तो चाहे वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है मतलब काम कर रहा है, तो उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अंदर कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो पार्ट टाइम कर रहा है या फिर होल टाइम फुल टाइम कर रहा है। उसके बाद एम्प्लॉय, इफ एम्प्लॉय हैज़ सब्सटीट्यूशनल इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयर कंपनी, एम्प्लॉयर कंपनी के अंदर उसका सब्सटीट्यूशनल इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको इक्विटी शेयर मिल रहे हैं या प्रीफरेंस शेयर मिल रहे हैं तो उसको, या वोटिंग राइट मिल रहा है तो उसको टैक्सेबल टैक्स देना पड़ेगा। इफ एन एम्प्लॉय इज डिमेडिड टू अ स्पेसिफिक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय कंपनी ओनली वेन इट ही इज़ द ओनर ऑफ क्वालिटी शेयर नोट शैल बी इन देन 20% ऑफ वोटिंग पावर देयर इज ऑल्सो वेज इन। अगर एम्प्लॉय को सब्सटीट्यूशनल एम्प्लॉय है वो, उसको इक्विटी शेयर है उसके पास 20% वोटिंग राइट है, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अदर एम्प्लॉय के अंदर क्या आएगा, अंडर द हेड सैलरी द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज हुज सैलरी कैन बी मोर देन एम्प्लॉयर ऑफ एक्स, अगर उसकी सैलरी ज़्यादा है मोर देन एम्प्लॉयर से मतलब 50,000 से एक्सीड कर रही है, तो उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन लिमिटेशन, लिमिट दी गई है 50,000 से ज़्यादा अगर उसकी है तो वो डिडक्ट विल बी डिडक्टेड, वो डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद दे रखें कि देर आर द वेरियस प्रीक्विजिट्स आर टैक्स फ्री पार्शली टैक्स फ्री फॉर द टैक्सेबल फैसिलिटी एम्प्लॉय सच एज टैक्सेबल फैसिलिटीज जिन जिनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो हैं फैसिलिटीज ऑफ कार गैस वाटर एंड फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फैसिलिटीज ऑफ स्वीपर गार्डनर वॉचमैन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एजुकेशन फैसिलिटी हाउस होल्ड मेंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये सब फैसिलिटीज टैक्स फ्री होती है और ये एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाई जाती है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई अपडेट्स के लिए, फोर्थ क्वेश्चन के
को देखने के लिए, फोर्स क्वेश्चन की डिटेल्स को लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकम टैक्स से रिलेटेड और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्स से, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।